हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, अपन चालू कर रहे हैं रेट साइंस की जो टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में आज से अपना वीडियो चालू कर रहे हैं। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वह सभी लगभग क्लियर करवा दिए, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप उन्हें ज़रूर ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो रहेगा अपने शिक्षण विधियों का, जिसमें पार्ट फर्स्ट के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इसमें जो यूनिट है, दो यूनिट मुख्य रूप से अपने दे रखी है। फर्स्ट यूनिट में तो देखिए अपने विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य उद्देश्य, विज्ञान को समझना और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ दे रखी है। जबकि जो इकाई टू है उसमें नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण दे रखा है। तो आज अपन जो इकाई फर्स्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में। अब ये विज्ञान की प्रकृति होती क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो साधारण रूप से विज्ञान का अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान से लिया जाता है। यानी विज्ञान का अर्थ क्या है? क्रमबद्ध रूप से ज्ञान जो होता है वही क्या है? विज्ञान है। यानी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होना उसे कहते हैं क्रमबद्ध, तो वही ज्ञान क्या है? विज्ञान है। परंतु विशिष्ट रूप से वैज्ञानिक काल, प्राचीन काल से वर्तमान तक की सतत शोध प्रक्रिया के परिणामों का व्यवस्थित एवं संचित रूप है। विशिष्ट रूप में अगर देखें तो वैज्ञानिक काल जो है वह प्राचीन काल से चला रहा है, और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की जो लगातार जो शोध प्रक्रियाएं हो रही ना, उन सब का एक परिणाम जो निकले उनका व्यवस्थित और संचित रूप ही क्या है? विज्ञान है। उदाहरण के रूप में प्राचीन काल में वैज्ञानिक परमाणु को अविभाज्य मानते थे। एग्जाम्पल देखे तो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे ना, वह परमाणु को क्या मानते थे? अविभाज्य कण मानते थे परमाणु को अविभाज्य कण मानते थे। परंतु बाद में इसके विभिन्न भागों जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या लगा? पता लगाया गया, और वैज्ञानिकों की पूर्व धारणा भी वापस चेंज हो गई, यानी कि बदल गई। इसके बाद और आविष्कार हुए और कणों जैसे मेसोन, के ओन, लेमडा आदि का भी पता लगा। यानी कि वह सब अपन मान सकते हैं कि लगातार इसमें क्या होती है, विज्ञान में नए नए प्रयोग होते रहते हैं और नई नई सूचनाएं अपने को मिलती रहती हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल इतना ही दे दिया, परमाणु को अपन क्या मानते हैं? अविभाज्य कण, की इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाद में इसकी खोज हुई तो देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी पता लगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह का पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स का, और वैज्ञानिकों की पूर्व धारणा में क्या आ गई? चेंजिंग आ गई। फिर अपन ने देखा मेसोन कण, केओन कण, लैम्डा कण आदि का भी पता लगाया गया। अतः उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान का प्राचीन काल से वर्तमान तक की शोध प्रक्रियाओं का क्या एक व्यवस्थित व संचित रूप है। अतः उपरोक्त उदाहरण से हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान जो है, जो प्राचीन काल से वर्तमान तक का उसकी सभी शोध प्रक्रियाओं का व्यवस्थित और संचित रूप है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं उतना ही करवा रहा हूँ जितना अपने लिए लाभकारी है या पर्याप्त है। इसको अपने को कोई याद नहीं करना, रटना नहीं। आप तो बस वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, दो या तीन बार वीडियो देख लोगे ना, आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। कोई ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है ये। दो तीन बार वीडियो देखिए, आसानी से याद हो जाएगा। फिर लगभग जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो 1000 क्वेश्चन में आपको टीचिंग मेथड के करवाऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। ये आप संतुष्ट रहिए कि 1000 क्वेश्चन जब मैं करवा दूंगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो उनसे बाहर आएगा। तो अब देखिए, विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति होती है ना, विज्ञान साइंटिया शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह लेटिन भाषा का शब्द होता है साइंटिया, उससे भी है, ये जरूर याद रखना। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लेटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थ क्या होता है? जानना। विज्ञान शब्द के अर्थ की विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या भी प्रस्तुत की है। यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। और विज्ञान शब्द के अर्थ की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से क्या किए, व्याख्या भी की है, जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, अपन जो परिभाषा देखेंगे वह वैज्ञानिक अपने वुडबर्न और ओबर्न के अनुसार परिभाषा देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं की अधिक शुद्धता से व्याख्या करने का मानवीय कार्य क्या है, विज्ञान है। वुडवर्ग और ओबार ने काफ़ी अच्छी बात कही थी कि हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति के द्वारा निर्मित, इसमें स्थित परिस्थितियां वगैरह, जितनी भी परिस्थितियां हैं या जो घटनाएं घटित हो रही है, उनकी पूर्ण शुद्धता से अगर अपन व्याख्या करें ना, पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का जो मानवीय कार्य होता है वही क्या है, विज्ञान है। यह किसने कहा था, वुडबर्न और ओबार्न ने कहा था, याद रह जाएगा। यानी इनकी परिभाषा किससे रिलेटेड थी, जो प्राकृतिक वातावरण से रिलेटेड थी, ये जरूर याद रखना, प्राकृतिक वातावरण से रिलेटेड परिभाषा किसने दी थी, वुडबर्न और ओबार्न ने दी थी। प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं की अधिक शुद्धता से व्याख्या करने का मानवीय कार्य क्या है, विज्ञान है। फिर दूसरे नंबर के जो वैज्ञानिक थे वह कौन थे, फ्रेडरिक फिट्ज़पैट्रिक। दूसरे नंबर के जो थे फ्रेडरिक फिट्ज़पैट्रिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने देखिए, विज्ञान हमारे अनुभव, विज्ञान क्या है, हमारे अनुभवों से जनित निरीक्षणों की संचयी और अंतनिहीन एक श्रृंखला है। इन्होंने बताया कि विज्ञान में क्या है, हमारे जीवन के सारे अनुभव ही क्या है, विज्ञान है। अनुभव से जनित जो निरीक्षण अपन ने किया है, अलग अलग खोज वगैरह किए हैं, परीक्षण कार्य किए हैं, उनका संचयी और अंतनिहित यानी उनको क्रम से अपन ने जोड़े रखा है, वह श्रृंखला क्या है, विज्ञान है। इनके फलस्वरूप प्रत्यय और सिद्धांतों का क्या होता है, निर्माण होता है, और अधिक अनुभव जनित निरीक्षणों के आधार पर इन प्रत्ययों तथा सिद्धांतों में क्या लाया जाता है, सुधार लाया जाता है। अधिक अनुभव जनित निरीक्षणों के आधार पर इन प्रत्ययों तथा सिद्धांतों में सुधार भी लाया जाता है। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान का समूह होने के साथ साथ ज्ञान को प्राप्त करने की क्या एक प्रक्रिया भी है। इन्होंने जो बात बताई थी वह किस आधार पर बताई, हमारे अनुभव के आधार पर। यानी व्यक्ति का जो अनुभव है उससे जनित उसने जितने भी जो निरीक्षण वह अंतनिहीन है श्रृंखला माना है, यानी जितने भी अनुभव और निरीक्षण किए उन सब की एक श्रृंखला क्या है, विज्ञान है, और इसके प्रत्यय और सिद्धांतों का निर्माण होता है जिससे, और अधिक अनुभव जनित जो निरीक्षण के आधार पर इन प्रत्ययों और सिद्धांतों में क्या किया जा सकता है, सुधार भी किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान जो है ज्ञान का समूह होने के साथ साथ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। यानी इन्होंने विज्ञान को किसके आधार पर बताया, अनुभव के आधार पर इन्होंने विज्ञान की परिभाषा दी है। पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस आधार पर दी थी परिभाषा, उन्होंने जो परिभाषा दी थी वह दी थी मुख्य रूप से जो प्रकृति के आधार पर, यानी प्रकृति विज्ञान के आधार पर परिभाषा दी थी। अब जो वैज्ञानिक है फ्रेडरिक फिट्ज़पैट्रिक के अनुसार, वुडबर्न ने तो कहा था प्राकृतिक वातावरण के आधार पर, फ्रेडरिक ने दी है, तो फ्रेडरिक जो फिट्ज़पैट्रिक है उन्होंने अनुभव के आधार पर परिभाषा दी है। फिर आगे देखिए अपन चर्चा करते हैं फिट्ज़पैट्रिक की। इस परिभाषा के अनुसार दो रूप सामने आते हैं जो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे विज्ञान ज्ञान के समूह के रूप में भी कार्य करता है और वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने की क्या एक प्रक्रिया भी मानते हैं। यानी विज्ञान ज्ञान के समूह के रूप में होता है और वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया भी माना गया है। तो ये इसके सिक्के के दो पहलू माने गए। फिर आगे अपन बात करते हैं आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने क्या कहा था, तो हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसने कहा, आइंस्टीन ने कहा। क्या कहा, कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसने कहा, आइंस्टीन ने कहा, याद रह जाएगा। तो आइंस्टीन का जो अपन मान सकते हैं कि जो परिभाषा है वह किस आधार पर है, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान अनुभूति जो होती है उसके आधार पर इसकी परिभाषा दी हुई है। वुडबर्ग जो थे वह प्राकृतिक वातावरण के आधार पर था, फ्रेडरिक का जीवन के अनुभव के आधार पर थी, और आइंस्टीन की जो परिभाषा है ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता यानी कि ज्ञान अनुभूति के आधार पर है।
फिर आगे जो डेम्पियर थे उन्होंने क्या बताया, डेम्पियर के शब्दों में देखिए कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का क्या है, तार्किक अध्ययन है। इन्होंने क्या बताया डेम्पियर ने कि विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। अर्थात डेम्पियर ने प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान बताया विज्ञान को। फिर वैज्ञानिक आते हैं कोनांट, कोनांट के अनुसार विज्ञान की क्या परिभाषा होती है वह देखिए। इन्होंने कहा विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रयात्मक योजनाओं की एक श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। कोनांट ने क्या बताया कि विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्यय एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की एक श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। तो कोनांट की जो परिभाषा है वह किससे संबंधित है, अंतः संबंधित संप्रत्यय और जो संप्रत्यात्मक योजना है उनसे संबंधित मानी गई है। फिर अपन बात करते हैं आगे इसी में देखिए कि प्रत्येक जो विषय होता है ना, कोई सा भी विषय ले लीजिए अपने, कि प्रत्येक विषय की अपनी अलग ही प्रकृति होती है। प्रत्येक जो विषय होता है उसकी अपनी अलग ही प्रकृति होती है कि नहीं, दो विषयों की तुलना हम उनकी प्रकृति के आधार पर ही कर सकते हैं। विज्ञान विषय की प्रकृति को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए एक एक करके इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट बिंदु क्या कहता है, वैज्ञानिक ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है जिनसे अपन ज्ञान अनुभव करते हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं। यानी वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है और उनसे जो ज्ञान अनुभव हमें प्राप्त होता है उन पर अपन क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकंड बात क्या बताई गई है कि विज्ञान में संख्या स्थान मापन आदि का अध्ययन कार्य भी किया जाता है। विज्ञान में संख्या स्थान मापन आदि का अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद में थर्ड बिंदु देखिए कि विज्ञान में वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी होता है। क्या होता है, वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन भी होता है। किस में होता है, विज्ञान में होता है। चौथा बिंदु क्या कहता है, विज्ञान में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अंकात्मक एवं गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अंकात्मक और गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला बिंदु कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण मानव संसार में एक समान होता है। जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है ना वह संपूर्ण मानव संसार में एक समान होता है और अपने वैज्ञानिक परिणामों का सत्यापन कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण मानव संसार में एक समान होता है, अतः हम क्या कर सकते हैं, अपने वैज्ञानिक परिणामों का सत्यापन कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। छठवां पॉइंट कहता है कि विज्ञान ये एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन के सूक्ष्म प्रत्ययों की व्याख्या कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान ही केवल एकमात्र ऐसा विषय माना गया है जो जीवन के सूक्ष्म प्रत्ययों की व्याख्या कर सकता है। सातवां बिंदु कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग हम गणित तथा अन्य विषयों में भी कर सकते हैं। फिर वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य में सौंदर्यानुभूति की भावना तथा स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। यानी कि मनुष्य में जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है ना तो उसके माध्यम से मनुष्य में सौंदर्य अनुभूति, यानी कि सौंदर्य शरीर के अंदर सौंदर्य की अनुभूति होती है और उसकी भावना उत्पन्न होती है और स्वस्थ दृष्टिकोण होता है। एनी टाइम व्यक्ति खुद को फ्रेश स्वस्थ अनुभव करता है, औरों से बेटर अनुभव करता है। फिर आगे अपन देखेंगे कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने का हमारा एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीका होता है जिससे हमारा ज्ञान और अधिक स्पष्ट हो जाता है तथा इसे आसानी से भुलाया भी नहीं जा सकता है। काफी अच्छी बात है, यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने का एक सुव्यवस्थित एक सुनियोजित तरीका होता है विज्ञान का, जिससे जो हमारा ज्ञान और अधिक स्पष्ट हो जाता है जिसे हम काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं और उसे भूल नहीं सकते हैं।
विज्ञान हमारी समस्या का स्पष्ट हल निकालता है, यानी वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उससे समस्या स्पष्ट हल होती है। विज्ञान की भाषा उपयुक्त और स्पष्ट भी होती है। वैज्ञानिक निष्कर्षों के सामान्यीकरण की पर्याप्त संभावनाएं भी रहती है। विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ और आत्मविश्वास से भरा होता है, यानी जो भी विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं, साइंस स्टूडेंट, उनका दृष्टिकोण जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि वह छोटी से छोटी बातों का भी क्या करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, बाल की खाल निकालने में विश्वास है करते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या करते हैं, जीवन है, जीते हैं। इसीलिए विज्ञान के स्टूडेंट्स जो होते हैं वह अपन मान सकते हैं आर्ट्स की तुलना में उनकी जो साइंस मेथड होती है वह काफ़ी अलग होती है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में होती है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके आगे की जो बातें होगी वह अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, दिमाग में एक बार बात बैठ जाएगी, वह निकलने वाली नहीं है। और रही क्वेश्चनों की बात, तो क्वेश्चन में आपको साथ साथ में इसके करवा दूंगा। तो नो टेंशन नो फिकर होकर वीडियो देखा कीजिए और साथ साथ में अपनी तैयारी को बेटर बनाते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।